18 are there. Let us start of isotope. Yesterday we have done that. We know that with isotopes are the atoms of the same element which have different mass number but same atomic number, means number of protons and number of electrons are same. Theek? This we have done yesterday. Now let us talk about their properties. As Gurshan also asked me that, ma'am, their property will change. I said it will change. Amritpal. Property will be certainly change. Property will change. See, in the कभी कभी जैसे मैंने आपको जब atomic number करवाया था, do you remember? मैंने बोला था it is number of proton or number of electrons. Means जो electrons है बेटे, they are certainly participating in the bond formation or in the chemical reaction. ठीक है, तो chemical properties, chemical reaction, two type की properties किसी भी compound की बात करते हैं. One is chemical properties and other one is बेटे physical properties. अगर इस बात को समझो then you will get. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस टाइप की वो रिएक्शन जाएगा. अब रिएक्शन जब भी होती है बेटे, जो आपकी लैब में होती है या हम जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, उसमें कभी भी न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता. देयर इज नो न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन दैट. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके केमिकल कंपाउंड की ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटे कोई भी आप रिएक्शन देखो तो आप देखोगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है या ले रहा होता है, कुछ नया कंपाउंड बन रहा होता है. वो सिर्फ और न्यूक्लियस को इफेक्ट नहीं करता किसी भी कंपाउंड के, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है, वो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को. तो क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो किस टाइप की रिएक्शन जाएंगी. तो यू विल डू सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन इन द हायर स्टैंडर्ड. तो डिपेंडिंग वो किस टाइप की रिएक्शन जाएंगी वो सेम. जैसे कि कार्बन है, चाहे वो कार्बन 13 है, चाहे वो कार्बन 14 है, चाहे वो कार्बन 12 है, तो उसने चार बॉन्ड ही बनाने हैं, उसने कोवलेंट बॉन्ड ही बनाना. ठीक है, चाहे क्लोरीन 35 है, चाहे वो क्लोरीन 37 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बने, उन्हें चेंज नहीं हुए, क्योंकि 17 17 ही रहे हैं इनके. तो इन दोनों ने, चाहे वो 35 है चाहे वो 37 है, इन्होंने देना एक ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी रिसीव एक ही इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल में है दोनों की 7 इलेक्ट्रॉन है. तो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. तो होते क्या है बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है बेटे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास. तो आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस के साथ अफेक्टेड होगा, मास अफेक्ट होगा. अगर मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है, मास के ऊपर बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं. अब आप छोटा बटर का ब्लॉक लोगे और एक बड़ा बटर का ब्लॉक लोगे तो आपको मेल्ट करने में टाइम लगेगा ना, बड़े वाला. तो वैसे एक का न्यूक्लियस छोटा है और एक का न्यूक्लियस बड़ा होगा. एक के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो सेम है, वी कांट से प्रोटॉन नहीं सेम, न्यूट्रॉन्स चेंज हुए हैं. तो इनकी बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ जाता है. केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो आपके सेम रहेंगे. गॉट द पॉइंट? You know the difference is clear between chemical properties and physical properties. Okay, बस आपको इतना लिखना है क्या increase क्या decrease. It's not in your syllabus कि chemical properties same रहती है बेटे, और जो only GI is understanding and rest of the students are sleeping somewhere. Okay, ठीक है. अब क्योंकि हमें हमने देखा कि आइसोटॉप्स में अटोमिक नंबर जो है बेटे वो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो हम अटोमिक मास कैसे निकालें.
अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा अब का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, तो उसमें हमने एक ही एटॉमिक नंबर वाला लेंगे। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आइसोटोप आपको ज़्यादा मतलब यू थिंक वो ज़्यादा अबंडेंस में है उसको ज़्यादातर लिखा जाता है, मगर हम एटॉमिक मास का क्या करें? ठीक है, अब एटॉमिक मास का हम एवरेज निकालते हैं। जैसे कि आपके अब इट इज़ गिवन एनसीईआरटी में जो एग्जांपल गिवन है वही हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हमने टू आइसोटॉप देखे, एक 35 वाला और एक 37 वाला। ठीक है बेटे, वन यू हैव सीन ऑफ 35 विद एटॉमिक मास 35 और एक 37 वाला जिसका एटॉमिक नंबर इज वेरी मच इक्वल एंड मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक, अब दिस 35 अगर हम अर्थ क्रस्ट में या हम अपने एनवायरनमेंट में निकालने जाएं, ठीक है, तो ये नहीं कि मैम प्लीज रिपीट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिनको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं, हाउ यू विल रिएक्ट देम। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मास। जैसे कि आपको करवाया जाएगा कि अब कैसे बताऊं, पीरियोडिक टेबल में यू हैव यू आर नॉट अवेयर लाइक यू आर नॉट डूइंग बेटे कार्बन। आपको चलो लेमैन लैंग्वेज में समझाते हैं, आपके पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा बटर का टुकड़ा है और एक बड़ा सारा बटर का टुकड़ा है, तो आप किसको टाइम लगाओगे मेल्ट करने पे? यस जब जी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बोलोगे? यस बड़े वाले का, है ना? क्यों बेटे? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा रहे हो, मास क्यों बढ़ जा रहा है? न्यूट्रॉन्स बढ़ाते जा रहे हो, जब न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मास पे इफेक्ट होगा, भार पे इफेक्ट होगा, तो इस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी होती है या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या आपका सॉलिबिलिटी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जब हम मेडिकल नॉन मेडिकल रखेंगे ना तो हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको हम ज़्यादा तब नॉलेज देंगे कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है, कैसे कोई वॉन्डरवॉल फोर्स और अट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, कुछ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये मास के ऊपर डिपेंड कर जाएंगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज केमिकल वो होती है जो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, जैसे कि इनकी 17 है बेटे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 287, दोनों की 287 होगी। ये नहीं कि इसकी 287 है ये इसकी नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसने NaCl बनाना है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तो ये भी NaCl ही बनाएगा, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। मगर अगर इसमें मास नंबर 35 है और इसमें 37 है, इसका मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं। ठीक है, अगर 2 न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका मास ज्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो आपको मेल्ट और बॉयल करने में भी टाइम लगेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, केमिकल नहीं होंगी। गॉट द पॉइंट? यस जब जी, वो कैसे रिएक्ट करेगा वो तो करना ही करना है। जब जी यू आर देयर एंड कृतिमा इव रिपीटेड अगेन। ठीक है, आइसोटोप्स दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बेटे, मगर मास नंबर डिफरेंट है। मास
जब डिफरेंट हो जाता है तो कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल। तो शाम दोबारा आ रहा है, ठीक है, ओके। क्लोजिंग द चैट बॉक्स बेटे, एज आई कांट सी द पार्टिसिपेंट्स, माई पार्टिसिपेंट्स आर नॉट विजिबल फुली। ओके, अब मैंने बेटे ये चीज ली, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है, तो मुझे एक ही मास निकाल के रखना है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, दे वेंट फॉर द सर्च ऑफ क्लोरीन फॉर इंस्टांस, ठीक है। उन्होंने, मान लो आपने 200 क्लोरीन सर्च किया, 100 आप लेके आए ढूंढ के कि यहाँ पे इतना क्लोरीन है। जब उसके आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडी, देयर आर स्टडी स्पेक्ट्रोकेमिकल क्या होती है, यू विल डू इन द हायर स्टैंडर्ड, उन्होंने किया, उनका स्पेक्ट्रा स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि 75% तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है वो है, और 25% वो है जिसका मास 37 है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ एवरी 100 क्लोरीन, 75 क्लोरीन इस मास के हैं और 25 क्लोरीन इस मास के हैं। ऐसे अगर 200 होते तो आप 75 + 75, इसका मतलब 150 क्लोरीन अगर उनको मिले, उसकी बिहाफ पे उनको 25 क्लोरीन ऐसे मिले जिनका मास क्या था बेटे, 37। क्योंकि जब हम, उन्होंने स्टडीज करी, तो हम कहते हैं कि एवरी मतलब 100 में से 30, ये 75 है तो ये 25 है। वैसे 200 150 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, वैसे 300 में से, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि 100% में से जो 35 वाले हैं वो 75 हैं, और जो 37 वाले हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो इनका एवरेज किससे निकालोगे, 35 आउट ऑफ 100 वो कितने हैं, 75, ठीक है, प्लस, ठीक है, 37 आउट ऑफ 100 वो कितने हैं, 25। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, 35 × 75, आई हैव डन फॉर यू, दैट इज 2625। 2625 अपॉन 100 प्लस, और 37 × 25 इट इज 925 अपॉन 100। सीधा यहाँ पे हम डेसिमल लगा दें, दैट इज 26.25, और ये क्या बन जाएगा, 9.25। तो व्हाट विल बी योर आंसर, यस, व्हाट विल बी योर आंसर, आई एम ओपनिंग माय चैट बॉक्स नाउ अगेन, यस यस बेटे, यू विल ऐड दिस, व्हाट विल बी योर आंसर देन। सो स्लो, यस, इट इज 35.5, ठीक है, इट इज 35.5। जो हम लिखते भी हैं एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना लिखते हैं बेटे, दैट इज 35.5। तो अगर इन द सर्च जब हमारे साइंटिस्ट निकले, उनको 35 वाला आउट ऑफ 100 75% मिला, और 37 वाला आउट ऑफ 100 25% मिला। तो जब उन्होंने इसका एवरेज निकाला तो वो ये आया जो आपने मुझे बताया, 35.5। ऐसे ना जब हाइड्रोजन का निकालते हैं तो हम लिखते हैं 1, मगर इट इज नॉट 1, इट इज 1.008, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स का हम निगलेक्ट भी करते हैं, किसी का डेसिमल हम आगे भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने डिफरेंट आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाला हुआ है, और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। कल से हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हैं, एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस करके इस चैप्टर के, मैंने बहुत सारे फिर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है, ओके, फॉर द पॉइंट, यस एवरीवन, गॉट इट, ओके।
three thumbs up. I am closing my chat box again. It's difficult to see my students. Okay. Now, there are certain applications of these isotopes. Like, because these isotopes vary in case of mass, that is number of neutrons, they have certain kind of application. Because they when जब आप रेडियोएक्टिवली स्टडी करते हो, क्योंकि जो भी बेटे रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियस को रिलेटेड होती हैं, तो जब उनकी स्टडी करी जाती है तो इनके आइसोटॉप्स सर्टेनली किसी ना किसी चीज पे यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन लर्न करनी है और साथ में आपने यू शुड नो 3 to 4 एप्लीकेशन ऑफ द आइसोटॉप्स. ठीक है, तो द फर्स्ट आइसोटॉप दैट इज कोबाल्ट 60. सारे नहीं, क्योंकि हर एक का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. जो कोबाल्ट 60 है वो इन द क्योरिंग द कैंसर यूज किया जाता है, कि उसकी जो रेडिएशन है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है कैंसर के पेशेंट के ऊपर डाली जाती है, तो उसकी हेल्प से वो गामा रेडिएशन तब एमिट कर रहा होता है ना. तो जब ये रेडिएशन एमिट करता है तो वो जो सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, वो किल हो जाती हैं. तो हम कहते हैं कि जो कार्बन 60 है वो रेडियोथेरेपी में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी. ठीक है, इन किलिंग द कैंसर. रेडियोथेरेपी क्या है? कैंसर के लिए जब, मतलब जब आपकी ड्रग्स अफेक्ट करना खत्म कर देती हैं, तो ये वाला जो आइसोटोप है आप यूज कर सकते हो. ठीक है, देन देयर इज यूरेनियम 235. ठीक है, ये जो हम लिखते हैं 60 235, ये सारे एटॉमिक मासेस हैं. अब जो यूरेनियम 235 है ये यूज होता है, राबर इज एंट्रिंग, पहले देखिए पुराना कोई राबर तो नहीं है. ठीक है, जो रेडियो, ये जो यूरेनियम 235 है बेटे, ये एनर्जी एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज होता है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, ये एज ए हम कह सकते हैं एनर्जी या फ्यूल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है. इसमें होता क्या है कि इस यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए जाते हैं. जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स बर्बाद करवाए जाते हैं तो इसकी फिजन हो जाती है, ये टूट जाता है. ये जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर, आपको इतना नहीं ध्यान रखना, बस आपने ये याद रखना है कि इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए जाते हैं. जब न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए जाते हैं तो ये जब पार्टिकल्स में टूटता है तो अबंडेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ये जो यूरेनियम है इसका जो न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन. जब ये न्यूक्लियर फिजन होती है तो बेटे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी वो यूज करते हैं. दैट इज वाई दिस इज अ गुड फ्यूल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. इसके अलावा बेटे देयर इज आयोडीन 131. ठीक है, देयर इज आयोडीन 131. आपको पता है बेटे आयोडीन जो है इट इज गुड फॉर द थायराइड. ठीक है, अब आयोडाइज्ड नमक आ रहे हैं आजकल, तो ये जो आयोडीन 131 है ये एज अ ट्रेसर यूज होता है इन केस ऑफ जो पर्सन थायराइड से डील कर रहे हैं. तो ये इसको ना बॉडी के अंदर डाला जाता है. ठीक है, बॉडी के अंदर ट्रेसर का मतलब किसी को डिटेक्ट करना. ठीक है, ये किसको डिटेक्ट करते हैं? एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ओके, क्या एक्टिविटी में डिटेक्ट करते हैं? एज ए ट्रेसर राइट डाउन एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, क्या एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं? कि ये जो ग्लैंड है वो कितनी आयोडीन ले रहा है. ठीक है, हाउ मच आयोडीन इज टेकन बाय, हाउ मच आयोडीन इज टेकन बाय दिस ग्लैंड. लाइन अपने आप बनाया करो, टेकन
बाय दिस ग्लैंड. जब हमें ये पता चल जाता है भी ये इतनी आयोडीन लेता है तो उसी हिसाब से वो और आयोडीन बाहर से दी जाती है, और वो जो इसकी डेफिशिएंसी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है ग्वाइटर, उसको हील अप करने में भी हेल्प करता है. ओके बेटे, गेटिंग द पॉइंट? यस. ओके, सो दीज थ्री यूजेज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओनली दीपाली इज लिसनिंग, बाकी हम सो रहे हैं. जी हाँ, धैर्य. ये जो इनएक्टिव स्टूडेंट्स है ना, उनकी मैंने कोई अटेंडेंस नहीं लगानी. यस, दे हैव जस्ट स्विच ऑन द क्लास फॉर अटेंडेंस. हृदय इज अवेक टूडे. हृदय घूम फिर के आ गया, आज अवेक है ना. ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो इट दे हेल्प इन द इन्वेस्टिगेटिंग द डिजीज इन प्लांट. प्लांट में भी डिजीज होते हैं तब भी आइसोटॉप्स डालते हैं. ठीक है, इसके अलावा सम ऑफ द आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग द लीकेज इन द पाइपलाइंस. अगर पाइपलाइन में लीकेज हो तो यू कैन ऐड डिजीजेस इन प्लांट्स को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है बेटे, उसके अलावा यू कैन राइट डाउन लीकेज इन पाइपलाइंस एंड ऑल. ये कैसे पता चलेगा? जब हम आइसोटॉप डाल देंगे तो आइसोटॉप जहाँ पे लीकेज होगी वहाँ से बाहर निकलेगा. जब वो बाहर निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लीकेज है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. डिटेक्ट, आप जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना बेटे, उनके लिए डिटेक्टर्स लगे होते हैं. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं. बाय डिटेक्टिंग हमें पता चल जाएगा कि हमारी लीकेज कहाँ है पाइपलाइन में, तो उसको हम कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा. उसके अलावा कार्बन के आइसोटॉप हैं बहुत, जितने मर्जी लिख लो, बहुत सारी एग्जांपल्स है. कार्बन 14 है एक. तो जैसे पुराने ज़माने में हम स्टडी करते हैं कि ये इतना पुराना ट्री है, ये इतना पुराना कुछ चीज़ मिलती है आपको, तो हम ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, जिसे कहते हैं डेटिंग इन प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, डेटिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल पता करने के लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं. ओके, गॉट इट. सो मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट जो मैंने 3 करवाई हैं, क्योंकि इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो आपने वो ही करनी है. अदरवाइज बहुत सारी हैं. फॉस्फोरस 30 ल्यूकीमिया कैंसर के लिए यूज होती हैं. आर्सेनिक 74. ठीक है, ये ट्यूमर्स को सोडियम 24, ब्लड सेल्स को ट्यूमर में. तो सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. यू कैन गो फॉर द अदर आल्सो, यू हैव द रेफरेंसेस बुक्स टू, बट द मेजर थ्री, फर्स्ट थ्री आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट. सो आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स अगेन. मैम प्लीज चेंज योर चॉक. इट इज द चॉक की प्रॉब्लम नहीं है, ये बोर्ड की प्रॉब्लम है. ये हर क्लास रिपीट. आइसोटॉप्स are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass numbers. As atomic number are same, so the reaction, the chemical reaction, that is the chemical properties, that means the number of electron they lose, gain or share will be same. So we can say the chemical properties are same. What is the difference? Difference is in the physical properties, like their mass, their density, their melting and boiling point, this kind of properties, they are different. Because of the difference in the physical properties, certain isotopes are used in treatment of diseases, some are used in nuclear reactors and so. Okay, like we have done. So you give me the application of isotopes. Maine to aapko samjha diya, now you will give me. Which application we have done? Hurry up. हरी आप
Can anyone see? You all are unmuted. This will add to your assessment. Cobalt 60, yes. कहाँ पे यूज होता है कोबाल्ट 60? टू क्योर कैंसर, यस क्योर कैंसर. नाउ नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 इज टू यू टू क्योर द कैंसर. और कोई ना? ऑल द आंसर यूरेनियम. विच यूरेनियम? 235, यस. It is used as a fuel in the nuclear reactor, yes. Okay, as the neutrons are bombarded on the uranium-235, it will break, the larger nucleus of uranium-35 will break into the smaller ones and thus producing your arsenic-74. For what purpose arsenic-74 is used? Very nice, bade fast ho aap. हाँ, arsenic-74 is used for the tumor. Okay, arsenic-74 is used for the tumor. Iodine-131, yes, it is used to cure the thyroid patient, that is goiter, suffering from the goiter, we can say. Okay, any more? You can add. Achha, Gaurav has one more. Achha, plutonium, yes, 239, Gaurav, yes. Carbon-14 is for use for dating in plants and animal. Yes. So many uses you can write if you search on the net or you search in the references book. Different isotopes and different uses. Bete, they use in the detection of some kind of. Because our body mein carbon-12 hai, carbon-14. Yes. Sodium-24 blood clot mein use hota hai. Yes. Hame pata chal jata hai ki blood clot kahan bane hai. Because our body mein sodium-23 hai. तो वो भी जैसे ब्लड सोडियम पोटेशियम पंप में एक्ट करेगा तो 24 भी हेल्प करेगा कि आपको ट्रेस करने में कि आपका ब्लड क्लॉट कहाँ बना है, ब्लड कहाँ कहाँ पे जाके वो रुक गया. तो सोडियम 24, यस यू कैन ऐड, एवरीवन कैन ऐड. सोडियम 24 इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉट. आर्सेनिक दैट इज यूज इन द ट्यूमर. ओके, so many points you can write. Any more point you want to add? Okay, so arsenic-74 is used in the tumors and sodium-24. Arsenic-74, bete, arsenic-74, I have repeated it for you. Arsenic, this is arsenic. Okay, arsenic-74 is used for the blood tumors, and for the blood clot there is sodium-24. Okay, this is arsenic. Yes, beta. AS, the symbol is AS. It lies below the phosphorus. Okay? This is nitrogen. This is arsenic. Okay, who is asking this question? The symbol of arsenic is AS. Okay, bete, haan. Iodine-131 is used for the thyroid. Okay. Okay? So everyone clear with the isotopes? So as the different mass are available, you have to find the average atomic mass. How you will find that atomic mass? Hame pata hona chahiye ki wo wala isotope earth crust mein ya environment mein kitna available hai. Uski percentage pata hoti hai, to hum unka average nikal lete hain. To jab hum aur sare numerical karenge, more about this concept will be clear to you. Theek hai, ye average kaise nikala jata hai? कल से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे इस चैप्टर की, और उसके बाद इसी चैप्टर की रिवीजन ऐसे ही स्टार्ट होगी कि इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस चैप्टर की तरफ फिर से जाएंगे. ओके, तो कल अपनी एनसीईआरटी की बुक्स लेके बैठना. यू ऑल मस्ट हैव एनसीईआरटी बुक्स,
और ये डिस्कशन होगी, आई विल नॉट गिव द आंसर, ठीक है। जैसे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे एक्टिव होते हैं ना, मैं हमेशा दे आर रेजिंग द हैंड एंड गिविंग द आंसर, ऐसे आपने होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो और कोई डाउट है बेटे आप पूछ सकते हो। आई तो आइसो बार्स, आई विल रिपीट इट फॉर यू, आइसो टॉप्स जो हैं वो एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं। जो आइसो बार्स होते हैं वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्क क्या है उनका, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बेटे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होगा, मगर उनका मास नंबर सेम, द मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। दीज आर आइसो बार्स, ओके, दीज आर आइसो बार्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम यस्टरडे, दैट आर्गन इज एटॉमिक नंबर ऑफ 18 एंड कैल्शियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 20 एंड बोथ हैव मास नंबर ऑफ 40, ठीक। सो वी कांट से देयर यूजेस एंड ऑल, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट्स इट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, यूजेस डिफरेंट होंगी, दे एक्ट डिफरेंटली, पर फर्क क्या है उनके, कभी कभी क्या हो जाता है कि मास सेम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क आ जाता है। गॉट द पॉइंट? एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू, यू कैन आस्क नाउ। टुमारो आई विल नॉट क्लियर द डाउट, आई विल, इट इज डिस्कशन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कम टेस्ट। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर वही बच्चा कर सकेगा जिसने ये चैप्टर ध्यान से सुना। तो इस चैप्टर में हमने 3 मॉडल्स करे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर। देन वी हैव डन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी इज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इट कैन फॉर्म, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन गिव और हैव और शेयर, जो भी है, ठीक है। कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी उसमें देखी, वो प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हो। एंड यू हैव डन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, ओके। सो विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम विद योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज।